अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादर और आज मैं आपको लेके आया हूं कोरंगी में। बड़ी रेनाउंड सी जगह है जो बहुत मशहूर है अपनी बिरयानी की वजह से। इनका नाम है अब्बा बिरयानी। आज बगैर कोई वक्त जाया किए मैं आपको पहले लेके चलता हूं अब्बा बिरयानी की तरफ कि हम देखें वो अब्बा बिरयानी में ऐसी क्या बात है, और उसके बाद हम ये भी मालूम करेंगे कि उसका नाम अब्बा बिरयानी रखने की वजह क्या है। चले जी, हम पहुंच गए हैं और वहाँ आज यहाँ पूछने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या वैराइटीज हैं और क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज़ है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहिद है सर। शाहिद भाई, आपकी क्या स्पेशलिटीज़ है, कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है आपके पास? चिकन बिरयानी है, वेज बिरयानी है सर, और हमारी स्पेशलिटी सर बीफ बिरयानी है। जी दोस्तों, तो अब हम ऑनर के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हम ज़रा मालूम करते हैं कि अब्बा बिरयानी के जो अब्बा हैं वो अभी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अब्बा बिरयानी नाम कैसा रखा गया। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर मुझे सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अम्माद अख्तर। मोहम्मद अम्माद भाई, अब्बा बिरयानी के आप अब्बा हैं, इसका मतलब कि अब्बा बिरयानी आपने आपका होटल है, तो ये अब्बा बिरयानी नाम रखा कैसे गया? ये अब्बा बिरयानी असल में ऐसे नाम रखा गया है कि ये मैं अब्बा नहीं हूँ, वैसे ये मेरे बड़े भाई के उस्ताद हैं, उनको प्यार से अब्बा अब्बा कहते हैं। अच्छा, तो उनके नाम पे ये बिरयानी सेंटर बनाया गया अब्बा बिरयानी। अभी जो मैंने देखा कि यहाँ पे पीछे लिखा हुआ था वक्फा बराए नमाज, तो इसका क्या सिनेरियो है, आपने क्या सोच के रखा है? जी बस ये इसकी हकीकत यही है कि नमाज के टाइम, देखें आपने सऊदी में भी देखा कि नमाज के टाइम कारोबार नहीं किया जाता, तो यहाँ पे हमारे भी अलहमदिल्ला यही उसूल है कि कारोबार हम नमाज के टाइम नहीं करते, तो 15 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद देखें अभी करता हूँ, हमें वेट करते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए कि लोगों से रिव्यू देना चाहिए जो कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं कि उनकी सेटिस्फेक्शन है। ज़रा आप हमें बताएं कि जो आपने यहाँ पे बिरयानी खाई, आप कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? सर जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पे? आपने किसी से सुना था या खुद ही आए हैं? नहीं बस सुन रहे थे कि अब्बा बिरयानी ऐसे ही चल रहा था, हम लोग शॉपर से आए हैं। अच्छा, जरा हमें बताएं कि पहली दफा आप आए हैं तो आपको कैसा इसका टेस्ट लगा? नहीं माशाल्लाह से अच्छी बिरयानी है, जायका अच्छा है। बिरयानी हमारे पास आ चुकी है और ये है हमारी बीफ बिरयानी जो कि यहाँ की बहुत मशहूर है, और मेरे ख्याल से अभी विद इन 10 मिनट्स अंदर पूरी की पूरी देग खाली हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब वो दूसरी देग ला चुके हैं, तो ये बहुत मशहूर भी है और बहुत टेस्टी भी है, लग भी रही है। मेरे ख्याल में ट्राई करते हैं हमें। ये बिरयानी बहुत टेस्टी है, अभी तक मैंने बीफ ट्राई नहीं किया, लेकिन उसके चावल का टेस्ट है, जो मसाले का बैलेंस है, ऑल थिंग्स आर अमेजिंग, नो डाउट। आई प्रिफर कि आप लोग सब आएँ और ट्राई करें।